दिल्ली के निजामुद्दीन में वाकई मरकज में हुए तबलीगी जमात की तकरीब को लेकर सुर्खियों में आए मौलाना साद की बेटी की शादी लॉकडाउन की वजह से टल गई। आज मौलाना साद की बेटी की शादी शामली के कांधला में वाकई उनके फार्म हाउस में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिलहाल शादी को टालने का फैसला किया गया है। मौलाना साद के घर वालों का कहना है कि कोरोना का खतरा टलने के बाद शादी की नई तारीख का ऐलान होगा। पीएम साहब की तरफ से जैसे ही लॉकडाउन का आर्डर हुआ तो उसको आगे बढ़ा दिया गया था। जब मुल्क के हालात और ये बीमारी से हम निमट लेंगे और लड़ लेंगे तो उसके बाद शादी के लिए बहुत वक्त है। मौलाना फरार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है इतना, और ये सिर्फ मीडिया की तरफ से आ रही है। बाकी प्रशासन जानता है मौलाना कहाँ है, मौलाना के एडवोकेट हजरात उनसे कॉन्टेक्ट में है प्रशासन से, और उन्होंने जो उनसे सवाल मांगे उनके जवाब जहां तक हो सके दिए गए। बाकी के बारे में बता दिया गया कि क्योंकि अभी मरकज बंद है और उसकी सैनिटाइजिंग वगैरह होनी है, तो जैसे ही वो खुलेगा उसकी बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। और कानपुर के चमनगंज इलाके में पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों से घर में रहने की अपील की, और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में सेहत एहलकारों ने डोर टू डोर सर्वे करके डाटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। इस मामले पर डीआईजी का ये कहना है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से मुलाकात करने वालों की शनाख्त करने के लिए मुतालिका इलाकों को रेड जोन करार करके सील कर दिया है। डाटा से सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है, जिससे किसी में कोरोना की अलामत पाई जाती है तो फौरन उनका क्वारंटाइन कर इलाज शुरू कर दिया जा सके। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर भी रखी जा रही है। भाई प्रशासन की टीम और डॉक्टरों की टीम हमारे वहाँ क्षेत्र वाइज जिस एरिया को थोड़ा सा बताया था उस एरिया को जांच कर रही है, और हमारे चमनगंज के लोग बराबर कॉपरेट कर रहे हैं और सारे लोग घर से निकल कर आ रहे हैं जांच में सहयोग करने के लिए। और सारे लोग बराबर जिधर टीम हमारी बढ़ती जा रही उधर बगैर कई लोग अपने घरों से निकल कर आ जा रहे हैं और जाँच करा रहे, जो शासन प्रशासन की मंशा है जाँच कराने की। तो यहाँ चमनगंज इलाका जहाँ पर इंतज़ामिया के तआवुन के साथ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने काम को शुरू कर दिया है, और डेटा कलेक्शन का जो काम है, जो सर्वे है, वो शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों की शनाख्त की जा सके, और अगर किसी में भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू किया जा सके।